नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। तमाम कोशिशें हो रही हैं कि ये युद्ध रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जो उसका खामियाजा है पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। तमाम देशों की इकोनॉमी शैटर्ड हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है। देशों का सैन्य खर्च का बजट लगातार बढ़ रहा है और इस युद्ध के दौरान माना जा रहा है कि इस युद्ध के कारण ये जो सैन्य खर्च है ये और बढ़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, ब्रिटेन सभी के सैन्य खर्च में बढ़ोतरी हुई है और भारत का जो सैन्य खर्च है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। यानी अमेरिका, चीन के बाद भारत अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तीसरे नंबर पर आ गया है जो सैन्य खर्च पर खर्च कर रहा है। और इसके पीछे जरूरत क्या है, क्या ऐसी बड़ी जरूरत है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है जो लगातार कहा जा रहा है भारत शांति चाहता है, लेकिन बावजूद उसके उसको अपने सैन्य खर्च के बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। क्या इसके पीछे रीजन है, क्यों भारत जो है उसका सैन्य बजट लगातार बढ़ रहा है, क्या इसकी जरूरत है, तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। और आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पी के सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जे के बंसल हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। फॉर्मर मेजर जनरल पी के सहगल सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि भारत जो है चाहता है विकास, जो मोदी जी का नारा है विकास का नारा है, लेकिन उसके बावजूद सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है, बजट बहुत ज्यादा जा रहा है। और जाहिर सी बात है जब आप सेना पे एक बहुत बड़ा बजट जाते हैं तो और कई चीजों में कटौती होती है, तो क्या जरूरत है भारत को कि वो अपना सैन्य बजट लगातार बढ़ा रहा है और अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। किसी भी देश का जो डिफेंस बजट है वो उसकी चुनौतियों और जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है। हिंदुस्तान को नॉर्थ से हर प्रकार से चाइना ने घेर रखा है और चाइना की आर्मी दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल आर्मी है। वेस्ट में पाकिस्तान है जो एक न्यूक्लियर नेशन है और हर समय चीन के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा जो बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान को है वो पाकिस्तान से और चीन की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा और उसको सपोर्ट देना। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो आर्मी है 15% स्टेट ऑफ आर्ट है, 35% मॉडर्न है और 50% जो आर्म फोर्सेज हैं वो ऑब्सोलेंट हो चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है, नए वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है। इस 2.5 थ्रेट को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान का डिफेंस बजट चाहे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हो, लेकिन हमारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी से ज़्यादा कम है। हमको ध्यान में रखना है कि चाइना और पाकिस्तान मिलजुल कर हिंदुस्तान के खिलाफ 65 स्क्वाड्रन्स का थ्रेट ला सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान उनके सामने केवल 20-25 स्क्वाड्रन खड़ा कर सकता है। जहाँ तक हिंदुस्तान की नेवी है, चाइना ने हर प्रकार से हमको घेर लिया है। उसकी नेवी के अंदर 70 सबमरीन हैं जबकि हमारे पास तकरीबन 12-13 हैं, और उसके पास 355 जहाज हैं, हमारे पास 130 है। तो जैसा कि सर ने बताया कि डिफेंस जरूरत को देखकर बजट बनता है, नॉर्थ में चीन है, वेस्ट में पाकिस्तान है, चीन की आर्मी बहुत लार्जेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन है सबको पता है पाकिस्तान के पास, और जिस तरह की दोनों में चाइना और पाकिस्तान में आपस में पड़ती है, अपने बचाव के लिए हमारे देश को बहुत सख्त जरूरत है। और जो वेपन सर ने बताए हैं, मॉडर्नाइजेशन जो है उसका होना बहुत जरूरी है हमारी जरूरतों के हिसाब से। अब भी हमारे जो वेपन है, सैन्य खर्च है, जो डिफेंस पर खर्च हो रहा है वो कम है, तो हमारी एक जरूरत है, हमारी एक आवश्यकता है अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की, अपने पड़ोसी देश से अपने को बचाने के लिए। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमारी जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली जब हम इस तरह का खर्च बढ़ाते हैं तो हमारी दूसरी चीजों पर असर पड़ता है, हमारी विकास की दर है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, कहीं और चीजों में कटौती होती है, तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि हमको अपना सैन्य बजट और बढ़ाना पड़ेगा, और क्या भारत की जो एक इमेज है, शांति प्रिय इमेज है, क्या भारत विकास के रास्ते पर आगे तक जाएगा, और कहीं ना कहीं जो उसका डिफेंस का जो बजट है वो एक तालमेल मिला के रखेगा भारत, कि आपका डिफेंस का बजट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और आपका विकास भी चलता रहे, आपकी जो इमेज है एक शांति प्रिय इमेज है वो बनी रहे।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें संसार के अलग अलग देशों के रक्षा बजट का विवरण दिया गया है। यूएसए का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है $800 बिलियन, चाइना दूसरे नंबर पर है $293 बिलियन, जबकि हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है $76.6 बिलियन। रक्षा बजट हिंदुस्तान का थोड़ा उसकी इकोनॉमी के अनुसार ज्यादा है क्योंकि हमको अपने जो बॉर्डर्स हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ में सुरक्षित करने और हिंद महासागर में भी शांति बना के रखना जरूरी है। जबकि चाइना का बजट हैवी होने के नाते वो दूसरे कंट्रीज पर अपना प्रभुत्व जमाता है और कब्जा करने की सोचता है। जो यूएस है वो सुपर पावर के रूप में अपने आप को दिखाने के लिए एक रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। रक्षा बजट का ज्यादा होना किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने रक्षा बजट को कम कर दिया। हालांकि आज की तारीख में जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी वो 6th नंबर पर है और हमारा बजट रक्षा का 3rd नंबर पर है, लेकिन आने वाले समय में हिंदुस्तान एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा। प्राइस वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में जो हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा $44 ट्रिलियन के साथ, चाइना फर्स्ट नंबर पे $58 ट्रिलियन के और अमेरिका $34 ट्रिलियन के साथ में थर्ड इकोनॉमी होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान अपना बजट बढ़ाएगा या वो बजट में अपने रक्षा बजट के लिए अमेरिका का स्थान ले लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक शांतिप्रिय देश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, सारे पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया है कि विस्तारवाद का युग चला गया और अभी विकासवाद का युग है। एक बार डॉक्टर कलाम ने मेरे से पूछा कि भारतीयों ने कभी किसी दूसरे देश की सीमाओं पर आक्रमण नहीं किया, हमने क्या हम कायर थे? मैंने कहा हम बिल्कुल कायर नहीं हैं, बहुत बहादुर हैं हम भारतीय लोग, लेकिन भारतीय बड़े संतुष्ट हैं और वो किसी की चीजों को हड़पना नहीं चाहते। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हालांकि हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, उसके बावजूद दुनिया के अंदर एक विकास और सुख शांति का संदेश देगा, न कि एक आर्म रेस या हथियारों की रेस में पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो मूल मंत्र है वो शांति ही है और हम सारे देश में एक विश्व गुरु शांति के रूप में उभरेंगे। आर्थिक सुधार पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, लेकिन जरूरत है और जैसा कि सर ने बताया है कि भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि वो आर्थिक सुधार के बल पर और अपने विकास के बल पर एक टॉप प्रायोरिटी हासिल करे, ना कि इस कंपटीशन में रहे कि उसका सैन्य बजट बढ़े, लेकिन जरूरत के हिसाब से, क्योंकि उसको अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, उसको सैन्य बजट में भी खर्चा करना पड़ेगा। पीके सहगल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारत का बजट बढ़ा है, सैन्य बजट बढ़ा है और 3rd नंबर पे आ गया है, क्या कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट चाइना और पाकिस्तान पर पड़ेगा? कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर ये बात आएगी कि भारत का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, तो एक डर या एक खौफ कहीं ना कहीं क्या इन देशों के दिमाग में आएगा? हिंदुस्तान के डिफेंस बजट के आंकड़ों से जहां तक चीन का तल्लुक है और पाकिस्तान का तल्लुक है, उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। चीन का डिफेंस बजट जो है पिछले 30-35 साल से हिंदुस्तान से 3.5 गुना ज्यादा रहा है, इस बार ही उनका जो डिफेंस बजट है हिंदुस्तान से 4 गुना ज्यादा है। उनकी आर्मी जो है और नेवी है, एयरफोर्स है, टेक्नोलॉजिकली एंड क्वान्टिटेटिवली हिंदुस्तान से बहुत आगे जा चुकी है और हिंदुस्तान को क्लोज करना है। जहां तक पाकिस्तान का तल्लुक है, पाकिस्तान को हर प्रकार से मिलिट्री की सहायता मिलती है चीन के साथ, और चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान को बहुत जबरदस्त झटका दे सकते हैं। ऐसे में अगर हम समझें कि हमारे इंक्रीजिंग डिफेंस बजट से उनमें किसी प्रकार का खौफ होगा या किसी प्रकार का डर है, ये केवल और केवल हमारी एक किस्म से नदानी है। ना तो चीन इससे घबराएगा, ना ही पाकिस्तान इससे घबराए। इनफैक्ट चीन तो खुश हो रहा है कि हिंदुस्तान केवल और केवल 1.7% या 1.5% GDP का ही अपने डिफेंस के लिए लगा रहा है, जबकि चीन इससे बहुत बड़े पैमाने पर अपने डिफेंस बजट पर लगा रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जरूरत के हिसाब से आप बजट तय करते हैं और जो चीन का बजट है हमसे बहुत ज्यादा है, तो
तीसरे नंबर पर चाहे भारत आ गया लेकिन उसका रक्षा बजट जो है अभी भी बहुत कम है, उसके हथियार हैं अभी भी पुराने हैं, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत को अपना रक्षा बजट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको बता दें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसमें यह भी बताया गया है कि विश्व भर में महंगाई दर बढ़ी है, विकास दर बहुत कम हुई है लेकिन पूरे विश्व में जो सैन्य बजट पर खर्चा है 6.1% की दर से बढ़ा है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत में 2012 से अगर अब तक देखें तो मौजूदा खर्च में 33% इजाफा हुआ है सैन्य खर्च में। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि 2021 में जो बजट है जो उसका 64% जो बजट है सैन्य बजट वो अपने देश में बने हथियारों को खरीदने में खर्च हुआ है। अच्छी बात यह है कि अगर सैन्य बजट बढ़ रहा है तो हथियारों की खरीद देश में ही बने हथियारों की खरीद पर खर्च हो रहा है, देश का पैसा देश में ही जा रहा है, अच्छी बात यह है। और आने वाले समय में जैसा कि हमारा एक्सपर्ट बता रहे हैं भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि जो उसकी इमेज है शांति प्रिय बनी रहे, विकास दर उसकी ज्यादा हो लेकिन अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों की मंशाओं को देखते हुए भारत को अगर अपनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी रक्षा बजट में तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको न्यूज नशा की इस तरह की पेशकश पसंद आती होंगी। कुछ ऐसे टॉपिक का हम चुनाव करते हैं जिन पर चर्चा ज्यादा नहीं होती और देश के लोग इसके बारे में जानने को इच्छुक होते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।